इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने शुक्रवार को आरा लोकसभा के लिए नामांकन किया। नामांकन के पहले 10 मई 1857 के क्रांति दिवस के अवसर पर क्रांति के नायक कुंवर सिंह, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। नामांकन के बाद वीरकोर सिंह स्टेडियम रमना मैदान में एक नामांकन सभा हुई। सभा में इंडिया गठबंधन से जुड़े हजारों छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर व महिलाएं शामिल हुए। नामांकन सभा में मुख्य वक्ता दीपांकर भट्टाचार्य, भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सुदामा प्रसाद, प्रत्याशी इंडिया गठबंधन आरा लोकसभा रामेश्वर प्रसाद, पूर्व सांसद आरा कांति सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय संयोजक भारत जोड़ो अभियान योगेंद्र यादव, काराकाट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजाराम सिंह, पोलित ब्यूरो सदस्य मीना तिवारी, एमएलसी शशि यादव, विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सिक्टा, मनेर विधायक भाई वीरेंद्र, विधायक अरुण सिंह काराकाट, जगदीशपुर विधायक रामविशुन सिंह लोहिया, शाहपुर विधायक राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी, संदेश विधायक किरण देवी, संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव, डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा, विधायक डिहरी फतेह बहादुर सिंह, विधायक शेरघाटी मंजू अग्रवाल, केंद्रीय कमेटी सदस्य माले राजू यादव, CPIML के सर्वोदय शर्मा, CPI से विजय नारायण मिश्र, पूर्व MLC अजय सिंह, पूर्व MLC लाल दस राय, पूर्व विधायक अनवर आलम, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद धनंजय कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष। वहीं इंडिया गठबंधन के 11 विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन, राज्य मिथिलेश सिंह, जिला प्रभारी आप सरोज यादव, पूर्व विधायक, प्रधान महासचिव राजद राम बाबू पासवान, कयामुद्दीन अंसारी, राज्य सचिव इंसाफ मंच रामेश्वर प्रसाद शाह, व्यवसायी संघ के अध्यक्ष, पूर्व विधायक चंद्रदीप सिंह, जिलाध्यक्ष कांग्रेस अशोक राम, शिवप्रकाश रंजन, ओम प्रकाश बिंद, जिलाध्यक्ष VIP, आशा देवी, जिला परिषद अध्यक्ष लाल बिहारी सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख संघ मुकेश सिंह यादव, जिलाध्यक्ष युवा राजद शैलेंद्र राम ने संबोधित किया। सभा को कई राज्यों से आए किसान व मजदूर नेता ने भी संबोधित किया। इनमें किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, हरियाणा के किसान नेता प्रेम सिंह गहलोत, उत्तराखंड के चर्चित किसान नेता आनंद सिंह नेगी, खेग्रामस में राष्ट्रीय सचिव राजेश सहनी आदि प्रमुख हैं। नामांकन सभा में भाकपा माले बिहार राज्य सचिव कुणाल, जसम के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सिंह सहित इंडिया गठबंधन के दलों भाकपा माले, राजद, कांग्रेस, VIP, आप, भाकपा, माकपा, NCP, शिवसेना, उद्धव समेत अन्य दलों के राज्य व जिले के नेता शामिल हुए और संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता बीरबल यादव, राजद जिलाध्यक्ष व संचालन जवाहरलाल नेहरू, जिला सचिव माले ने किया। से मोदी जी की विदाई तय हो गई है। 3 चरणों के चुनाव ने ये साबित कर दिया है और ये अब बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं और इनके जो स्थानीय नुमाइंदे हैं वर्तमान यहाँ के जो सांसद और माननीय मंत्री, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर जब हमने रिपोर्ट कार्ड का मांग किया तो एक अति पिछड़े के बेटे को, एक वै समाज के बेटे को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। माने ये एक शालीनता होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि की शालीनता होती है कि आप शालीन ढंग से बात कीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन अब लगता है कि शालीनता इनके स्वभाव में नहीं है। ऐतिहासिक दिन है 10 मई, बलिदान दिवस है। कुंवर सिंह जिनके नेतृत्व में 1857 में पूरे शाहबाद ने लड़ाई लड़ा और हमारी सोन उसी लड़ाई की देन है। अमित शाह जी तो आते हैं यहाँ पर और माला चढ़ाते हैं शहीद कुंवर सिंह के प्रतिमा पर, लेकिन उनके परिवार के एक युवक की हत्या हो गई और ये लोग खामोश रहते हैं। उनकी पतोहू कहा जाए पुष्पा सिंह, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला तो भोजपुर न्याय मांग रहा इस बार के चुनाव में कि आपको कुंवर सिंह के परिवार को न्याय देना होगा, उनको सम्मान देना होगा। वो सम्मान के हकदार हैं जिनके जो है परिजन देश की आज़ादी के लिए लड़े और अंग्रेजों की ईंट से ईंट दिए।